वो भी दिया ये साथ साथ है। और अमूमन जो मैंने खवातीन की शायरी देखी है वो सियाह की शायरी है, ज़ाती तजर्बा की है, उनके ज़ाती तजर्बा का एक्सप्रेशन जो सच्चाई की शायरी है। और दूसरी नावल किताबें बड़े बड़े नाम गंगे मसीह है लेकिन इसमें हमारे सरदार जोहा साहब का जी अपना इतिहास है वो भी खवातीन के किरदार को अदब में एक मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। और इससे पहले कि मैं उन्हें दावत दी अपना दावत है एक खातून का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है ये बानो आपा कहलाती है और बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है लेकिन आप उनका एक शेर ज़रा देखिए कि मैं उसकी गर्द हटाते हुए भी डरती हूँ। देखिए खुद शनासी का शेर है वो कहती है कि मैं उसकी गर्द हटाते हुए भी डरती हूँ वो आईना है मुझे खुद शनास कर देता है। ये खूबसूरत शेर होता बस तो मैं अपना सर साहब से दरखास्त करूँगा कि वो अपना नजरिया है आदि और अनीता जी के लिए जो ताली बजी थी वो आपका ताली मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको। सब्जेक्ट है कि भाई अदब में खवातीन क्या करें ये एक सवाल है सुनिएगा आपकी तवज्जो काम कर रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी दूसरी तरफ एक खातून थी तारुफ कराया मगर मैं पहचान नहीं सका। अरे आप मुझको नहीं जानते हैं मैं तो शहर में बहुत मारूफ हूँ मैं शायरा हूँ कलम लिखती हूँ अफसाने और भी बहुत कुछ खातून ने कहा। मैंने दोबारा माजत की और वजह भी बता दी मैं दरअसल अच्छे लोगों की सोबत से महरूम हूँ मगर मुझे खुशी है कि मैं महरूम हूँ। तो वो खातून बोली कि मगर आपकी तारीफ ख्वाजा तो बहुत कर रहे हैं और मैं उर्दू टाइम्स में बहुत छपती हूँ उन्होंने खुश होकर तारीफ ख्वाजा के अखबार के बारे में बताया। तारीफ ख्वाजा के अखबार में अब डार्विन की कहानी तो होती नहीं है शायद इसीलिए वो आपसे काम चला रहे होंगे और वैसे भी तारीफ ख्वाजा दिलचस्पी नहीं करता इसलिए उसने इनकार नहीं किया। मैंने आस्था से जवाब दिया पता नहीं वो तो कह रहे थे कि आपका अदब से भी ताल्लुक है आईटी से भी है आप मेरी मदद कर देंगे तो मैंने कहा बीबी आप काम बताएंगे इसलिए फोन किया तो सुने आप मेरी मदद कर देंगे उन्होंने कहा जी बोलिए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी तदबीर बताएं कि मैं अदब में बहुत जल्द मुकाम हासिल कर दूँ मुझे नाम और यही तारिक ख्वाजा ने कहा था कि अदब में अब बगैर टेक्नोलॉजी के कोई आदमी नाम नहीं कमा सकता। मैंने उसी लम्हे अपने दिल में तारिक ख्वाजा के लिए जो फरमान अदा किए दिल में वो ये मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता अगर अजाब से इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए फौरी तौर पर मैंने कहा कि अच्छा आपका काम लोगों तक उसकी रसाई ताकि लोग बस आपको ही देखते रहें आपकी बात सुने आपकी बात समझें जी 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 खातून खुश हो गई। अच्छा बीबी ऐसा करो कि आप अपना ब्लॉग बनवा दें उससे क्या होगा उसका भला अदब से क्या था खातून ने पूछा। बनवा कर देखें लोग भी देखेंगे तबसरा करेंगे बस जाजिब नज़र होना चाहिए रंगीन हो खुशनुमा हो लोगों को आपका ब्लॉग अट्रैक्ट करेगा वो सब आपके दीवाने हो जाएंगे और दानिश्वरों की महफिल में सिर्फ आप ही का जिक्र हो रहा है। हमारे दानिश्वर वैसे भी ख्वातीन को इस मैदान में हमेशा देखना चाहते हैं बाकी ख्वातीन बहुत खुश हो गई कुछ और बताएं कब तक बनवा लें किस तरह का मुनासिब है जल्द बनवा लें किस तरह का ये आप पर मुनासिब है मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि ऐसा हो कि होश हो हर जगह उसी का जिक्र हो बस बेशोरत आप शुक्रिया मुझको तो मालूम ही नहीं था कि सब ये सब अल्लाह खुश रखे तारिक ख्वाजा को उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मशवरा दिया मैं आज ही डिज़ाइन पर काम शुरू करूँ। अच्छा एक बात बताएं खातून ने पूछा अच्छा एक बात बताएं सामने से कैसा हो मैं चौंका सामने से वो
वो सामने से ऐसा हो जो लोगों को मुतवज्जा करे, जरा खुला खुला बेहतर रहेगा, मैंने जवाब दिया। और साइड से ब्लॉक में कुशाकी हो तो जचेगा, दोनों तरफ इतनी जगह हो कि जरा तंगी ना लगे, लोग नजर भर कर देखेंगे, तश्नगी ना रहे, अदब में तश्नगी अच्छी चीज नहीं होती। और हाँ रंगों का एहतमाम सोच कर कीजिएगा। मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे मगर रंग देखकर दिल नहीं चाहता कि आदमी साइन इन करे या कुछ कमेंट्स करे। ओके, मैं करती हूँ फोन पे ही सोच रही थी, मगर मैं अभी भी हैरान हूँ कि अदब से टेक्नोलॉजी का क्या था। मैंने कहा बीबी मैं फोन रख रहा हूँ, आपको बनवाना हो तो बनवा ली और तारीख वाजा से मैं निपट लूँगा, आप उससे बहस ना करें कि ब्लॉग में क्या होना चाहिए, आपने पूछा मैंने बताया और मैंने फोन किया। अल्लाह तारीख वाजा की हिफाजत करे और उसको मुझसे दूर रखे, मैंने दिल में दुआ मांगी। ब्लॉग यकीनी तौर पर हमारी बात आगे बढ़ाने में मुआवजे होता है, अदब में भी इसका फ़र्ग होना चाहिए। मैंने इसी नुक्ते के तहत खातून को मशवरा दिया। अब देखें उन्होंने क्या किया। खातून का कुछ अरसे बाद फोन आया, पहचाना, आवाज में जल तरंग थी। मैं वो अदीबा जिसने आप हाँ याद आया, कैसी हैं आप, क्या हुआ, आप बन गया जी, इसीलिए तो फोन किया है, कैसा है, काम हो गया आपका अभी, उन्होंने तारुफ कराया, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, वो आपसे बात हुई थी ना, अब काम हो गया, काम कैसा काम, अब इतने बोले ना बने, आप ही ने तो कहा था बनवाने को, ओ अच्छा ब्लॉग बनवा लिया जी, खातून शर्मा रही थी, कैसा है, बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट, बहुत जचड़ा है, मैंने जब देखा तो यकीन करें खुद पर बहुत प्यार आने लगा, बहुत देर तक खुद को तकती रही, ये तो अच्छी बात है, अब जरूर देखिएगा आपका अदब, आपका लिखा और लोगों में आपका जिक्र। मैंने मुबारकबाद देते हुए कहा हो सकता है ऐसी हो मगर मैं ये समझने से अभी भी कासिर हूँ कि इससे अदब क्या ताल्लुक, तारीफ वाजा ने मुझे क्यों ये मशवरा दिया, बस थोड़ा इंतजार आपका ब्लॉग मशहूर हो जाए तो आप भी मुझे सुनिए। मैंने कहा मगर मेरी ख्वाहिश है सबसे पहले आप, हालांकि मुझको बहुत शर्म आ रही है, बहुत ही ज्यादा बेबाक सा हो गया खातून शर्मा, कोई बात नहीं, बेबाकी और बुरयानी में फर्क होता है। अच्छा आप एड्रेस बताएं, मैं अभी टेक्स्ट करता हूँ। मैंने उनके वेब एड्रेस लिखने के लिए तैयार हूँ। एड्रेस वो क्यों, तुम्हें ब्लॉग कैसे देखूंगा, मैंने हैरत से पूछा। बहुत मजाक करते हैं आप, खातून ने हंसकर कहा, मुझको बहुत शर्म आ रही, खातून ने दोबारा कहा। अब आपको शर्म आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस होगा जब भी तो वेबसाइट देखूंगा, मैं एड्रेस दे देती हूँ, मगर इस हफ्ते मेरे शौहर दफ्तर से छुट्टी पा रहे तो किसी और जगह मिल लेते हैं क्या, मैं खुद भी समझने से कासिर था, क्या मतलब है आपका शौहर घर, मैंने कब कहा कि मैं आपसे आपके घर आके मिलना चाहता हूँ, अरे हुजूर आपके कहने से बनवाया है, आपका हक सबसे पहले है, आपसे फोन पर बात करने के बाद मैंने इंटरनेट पे आपकी तस्वीर देखी, यू आर सो हॉट, बताएं कहां मिलेंगे, आपका हक बनता है, अब आप खुश हैं, मेरे दोनों कान शादी और बीवी की सलावतें सुनने के बाद अब ऐसे जुमले के आदि नहीं, दोनों कान को हाथ लगाया, यकीन करें ऐसा लगा कि अंगारे बन गए। मैंने खुश गले को हसरतों से तर करके पूछा ब्लॉग से मिलने का क्या ताल्लुक, तो अब आप शर्मा रहे, खातून ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ज्यादा बोले ना बनो, अब उनकी टोन चेंज हो, अच्छा ज्यादा बोले ना बनो, आज शाम को मैं 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी, खातून ने मुझे जगह बता दी। अब उनका लहजा बहुत मुख्तलिफ था, अब बनवा लिया तो पहनना भी होगा, कमबख्त दर्जी ने इतना जोरदार बना भी तो दिया है, दर्जी हाँ तो क्या ब्लाउज में कुछ सीती, वो भी स्लीवलेस, ओ माय गॉड, आई एम ट्राइंग टू शो यू। इस हादसे के बाद मैंने अदब और टेक्नोलॉजी की इस बेहुर्मती के सोख में कई माह तक कदम नहीं उठाया, खुदा हमारे अदब को ऐसी नादीदा मुसीबतों और मालूम दहशतों से महफूज। जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है, तो उनका
अदब बड़ा संजीदा होता है कि मैं जमाले मैं जमाले फितरत हुस्न हूँ मेरी हर अदा है हसीन पर, मैं जमाले फितरत हुस्न हूँ मेरी हर अदा है हसीन पर, मैं झुकूँ तो शाख गुलाब हूँ जो उठूँ तो अबे बहार। ख्वाजा गयासुद्दीन अतक साहब ने यहाँ पे इदारा कायम किया है अदब का, लिहाजा वो हमेशा हमारे दिल में और हमारे जज्बात में हमेशा नुमाइंदगी की है, नुमाइंदा से बनते हैं। ख्वाजा साहब की ये खसूसियत ख्वाजा साहब के घराने की मैं कहूँगा कि यह खसूसियत मैं यहाँ बताता जाऊँ कि जितने उनके सितारे हैं जिन उसताब के जितने सितारे हैं वो सारे के सारे अपने अंदर कोई ना कोई गोहरे नाया करते हैं, कोई शायर है कोई शायरा है कोई गुलूकार है, और फिर ये जो गुलूकारी का जो आज फन आपके सामने दिखाएंगे तो गुलूकारी में इन्होंने सिर्फ वो गुलूकारी सिर्फ शुरू नहीं की है लेकिन बाकायदगी से सीखा भी है, ये संगत भी करते हैं बाकायदगी से हार नियम पर अली तरीके के साथ बजाएंगे और बजाएंगे इन शाह तला। और एक शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि अपने मदद से नवाजे कि नगमा वही है नगमा जिसको, नगमा वही है नगमा जिसको हज़रत नासिर काज़मी साहब बहुत अच्छे शायर थे और उनकी एक छोटी बहन बहुत अच्छी गज़ल है, हमें यह खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, ये पेश करता हूँ उम्मीदवार को पसंद आएगी। Thank you.
सारे।